हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रियलमी पैड एक्स की। यस, रियलमी की तरफ से ये एक यानी काफ़ी पावरफुल पैड देखने में मिलता है। जिस प्राइस पर आता है वो रियलमी की तरफ से काफ़ी बेटर पैड देखने में मिलेगा। एंड वो शाओमी की तरफ से अभी रिसेंटली शाओमी पैड 5 पर तो हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है। उस पैड वाले वीडियो को आप चल से कॉट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। यस, वहाँ पर भी आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। बट इसमें रियलमी पैड एक्स से यहाँ पर आपको 10 गुना ज़्यादा अपग्रेड देखने में मिलता है जो शाओमी पैड 5 में, बट उसकी प्राइस इससे ज़्यादा है। बात करते हैं अब यहाँ पर रियलमी पैड एक्स के सिचुएशन से। तो यहाँ पर आपको यानी इसमें डिस्प्ले 11 इंच का 2K FHD प्लस IPS LCD पैनल देखने में मिलता है। एंड 60 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज का ब्राइट डिस्प्ले देखने में मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको रियलमी पेंसिल का सपोर्ट देखने मिलेगा जो कि साइड में इसे सेट हो जाएगा। यस, इसके साथ यानी अटैच हो जाएगा साइड में एंड वहाँ से ये चार्ज होता रहेगा। तो यहाँ पर आपको इस टाइम अगर आप कोई भी टेबलेट लेते हो तो वहाँ पर आपको 2K डिस्प्ले देखने मिलेगा ना, तो आपको मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ। यस, एंड मैंने यहाँ पर टॉप 5 बेस्ट जो आईपैड वाले वीडियो में बता रखा है एंड उन्हीं को मैंने वहाँ पर ऐड किया है 2K वाले डिस्प्ले वाले टेबलेट को। तो यहाँ पर आपको 2K डिस्प्ले देखने मिलता है। आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता ना, उसकी तरह यहाँ पर आपको इसका डिस्प्ले देखने नहीं मिलता है। यस, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है 2K डिस्प्ले का। तो काफ़ी बेटर डिस्प्ले आपको आप रियलमी पैड एक्स में देखने में मिल जाती है। यस, बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको काफ़ी गुड लुकिंग डिज़ाइन देखने में मिलता है। साइड के बेजल्स ऊपर नीचे किचन काफ़ी स्मॉल देखने में मिलता है एंड काफ़ी स्मॉल देखने में मिले जब आपको साइड के बेजल्स एंड ऊपर नीचे किचन किसी भी आईपैड स्मार्टफोन या टीवी में, तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होता है। यस, काफ़ी डिफरेंट देखने में मिलता है। तो यहाँ पर आपको सेम उसी की तरह यहाँ पर आपको इसमें देखने में मिलते हैं। थिकनेस की बात करें तो गाइस 7.7 mm की थिकनेस, वेट यार पर आपको 499 ग्राम, यस 500 ग्राम का वेट देखने में मिलता है। तो काफ़ी हेवी टेबलेट होने वाला है। यस, काफ़ी हेवी पैड होने वाला है। एल्युमिनियम बॉडी देखने में मिलती है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप प्लास्टिक में तो स्क्रैच आ जाते हैं बट यहाँ पर आपको एल्युमिनियम में ज़्यादा नहीं आएंगे। प्रोसेसर की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको एक टैबलेट से आप क्या एक्सपेक्टेड कर सकते हो, 5G नहीं, 5G के लिए आप स्मार्टफोन बाय करोगे, बट यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पर आपको इसमें 5G का सपोर्ट देखने में मिलता है। यस, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला 5G प्रोसेसर देखने में मिलता है। यस, जहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट देखने में मिलता है। 6 nm पर बना ऑक्टाकोर का 5G प्रोसेसर है। एंड्रॉयड 619 का GPU देखने में मिलता है जो कि गेमिंग ग्राफिक्स एंड मल्टीटास्किंग को ईजिली हैंडल कर लेता है। एंड यहाँ पर आपको LPDDR4X का रैम है। UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप, एंड्रॉयड 12 देखने में मिलेगा। UI की बात करें तो उनका खुद का ही, यस उनका खुद का ही जो रियलमी UI 3.0 4 पैड देखने में मिल रहा है। यस, एंड यहाँ पर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस डे टू डे भी काफ़ी अच्छी देखने में मिलेगी, यानी ओपन जो ऐप ओपन क्लोज करते टाइम एंड कोई भी यहाँ पर आपको गेमिंग करते टाइम। यस, तो टैबलेट अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। तो आप यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि यार ये काफ़ी मिड रेंज का चिपसेट है तो परफॉर्म अच्छा खासा नहीं करेगा हमारा स्मार्टफोन, तो ये आप यहाँ पर गलत हो सकते हो। कैमरा रियर पैनल पर यहाँ पर आपको 13 MP, यस 13 MP प्राइमरी, एंड फ्रंट पर यहाँ पर आपको 8 MP सेल्फी स्नैपर, जहाँ पर आपको वीडियो कॉल एंड यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लास लेते टाइम वो काफ़ी बेटर है। यस, 5 से तो काफ़ी बेटर ही है। तो कैमरा यानी काफ़ी बेटर देखने में मिलता है। बैटरी की बात में यहाँ पर आपको 8340 mAh की बैटरी, यस 8340 mAh की बैटरी देखने में मिलेगी। 33 W की फास्ट चार्जिंग बॉक्स में चार्जर रहेगा। यस, एंड इसके जो कीबोर्ड आते हैं, इसके कवर आता है, इसको पेंसिल आते हैं, वो आपको यहाँ पर अलग से बाय करना पड़ेगा। यस, इसके साथ वो आपको नहीं देखने मिलेंगे। अदर सेंसर क्वाड स्टीरियो स्पीकर, यस जो कि आपको यहाँ पर पोको X4 GT में भी देखने मिलते हैं, यानी 2 इस साइड स्पीकर एंड 2 इस साइड। यस, तो यहाँ पर आपको 4 स्पीकर देखने मिलते हैं। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। ब्लूटूथ 5.2, फेस अनलॉक का सपोर्ट, वाईफाई 6, यस इन सब का उसमें देखने मिलेगा। वेरिएंट 4GB, 64GB, 6GB, 128GB ये वेरिएंट में देखने मिलता है। इन दोनों वेरिएंट की प्राइस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से बाय भी कर सकते हो आप रियलमी पैड एक्स को अच्छे खासे ऑफर के साथ। एंड वहाँ से आप अगर आपको और एक्सेसरीज बाय करनी है जैसे इसकी जो इसका कवर एंड इसकी पेंसिल एंड इसका कीबोर्ड, वहाँ से बाय भी कर सकते हो। सो गाइस, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको यहाँ पर रियलमी पैड एक्स के स्पेशन आपको कैसे लगी। प्राइस पॉइंट को चेक करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना जरूर सकता। एंड आपको इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में अभी भी कोई थॉट चल रहा है, क्वेरी चल रही है, तो कमेंट बॉक्स में अपना जरूर सकता। आगे आप किस वीडियो पर यानी डिटेल वीडियो चाहते हो या किस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हो कमेंट बॉक्स में अपना जरूर सकता देना।
तो मैं मिलता हूँ सुनने और फिर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।